तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। तो गाइस PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्वार्टर 2 2021-22 का रिजल्ट आ गया है, तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस जो रिजल्ट है वो करोड्स में दिया गया है। पहले कॉलम में हमें इस क्वार्टर का रिजल्ट, सेकेंड कॉलम में लास्ट क्वार्टर और थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही 1586 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 1692 करोड़ और लास्ट ईयर थी 2021 करोड़। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस रहा 1295 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में था 1377 करोड़ का और लास्ट ईयर था 1625 करोड़ का। हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हैं टैक्स पे करने से पहले, तो इस क्वार्टर में कंपनी को 291 करोड़ के प्रॉफिट हुए, लास्ट क्वार्टर में 315 और लास्ट ईयर 395 करोड़ के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें टैक्स पे करने के बाद, तो इस क्वार्टर में थे 235 करोड़, लास्ट क्वार्टर में थे 243 करोड़ और लास्ट ईयर थे 313 करोड़। गाइस टैक्स पे करने के बाद भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले डाउन रहे। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर रहे इस क्वार्टर में 13.96 रुपीस, लास्ट क्वार्टर में थे 14.45 रुपीस और लास्ट ईयर थे 18.63 रुपीस। तो गाइस जो कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर रहे वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स की ही तरह इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले डाउन गए हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।